हाँ, क्या नाम है आपका? हिमा देवी। अच्छा हिमा, आप कहाँ इलाज कराने आई हैं? किसका इलाज कराने आई हैं? मैं अपने बच्चे का इलाज कराने आई थी इसी अस्पताल में, सरकारी में। सरकारी अस्पताल में क्या हुआ था आपके बच्चे को और किस तरीके की दवा दी गई? बस मेरे बच्चे को बुखार लगा था और ये पता नहीं क्या है, जो दो नंबर में बैठते हैं वो दवाई लिखे थे इसी में दवाई एक खिलाए हैं रात के लिए, और सुबह उठा तो बोला कि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। कब से भर्ती हैं आप लेके? भर्ती तो हम है नहीं, आते कल आए थे तो बोले कि सीटी स्कैन कराइए, खून जांच कराइए। अच्छा, तो ये दवा यहीं से लेके गई थी जिला अस्पताल से? अस्पताल से लेके गई थी। और उसको खिलाने के बाद क्या हुआ? उसे खिलाने के बाद उसको दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, नहीं घुटने से चल जा रहा है, पेशाब भी नहीं उतर रहा है उसका। तो सरकारी दवा दिया था आपने? हाँ, हाँ। यही हॉस्पिटल से? तो आप डॉक्टर से फिर मिली हैं? मिली तो बोला कि जाए आँख के डॉक्टर से दिखाइए। अच्छा, क्या नाम है डॉक्टर का? विवेक शर्मा नाम है। विवेक शर्मा। अच्छा, कितने साल का है आपका बच्चा? 6 साल का है। कितने दिन से बीमार था वो? अरे बीमार तो था, दवाई की तो ठीक था और छोड़ के लग रहा था बुखार, और सोचे कि यहीं से लेकर किला ले बाद हम भी देख लिए हैं। हाँ। तो खिलाने के बाद से हम एक एक खुराक तो दवाई ही खिलाए हैं, बस ऐसा ही बात हो गया। तो अभी कोई डॉक्टर आया चेक करने के लिए? डॉक्टर कोई नहीं आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? हिमा देवी। कहाँ की रहने वाली? शांतपुर। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रोमी। अच्छा अच्छा, बुखार हुआ है तुमको? क्या हुआ है, तबीयत खराब है? कितनी उंगली है पूछिए? अच्छा ए बेटा, कितनी उंगली है ये? ये कितनी उंगली है? दिखाई नहीं दे रहा है, दवाई खाने के बाद से नहीं दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब दवाई दिए थे? नहीं आई थी तो किस डॉक्टर से दिखाई थी? उन्हीं से दिखाए थे। क्या नाम था उनका? अनुराग सिंह। क्या बोले थे उस समय? बोले थे कि छोटा मोटा बुखार है, दवाई खिलाने से अच्छा हो जाएगा। उसके वजह फिर दोबारा गई है, जब रोशनी कम हो गई तो उनके पास गई थी? गई थी, तो हम पर्ची भी जमा किए थे तो हमारे पर्ची गुम कर दिए हैं, बोले कि पर्ची तुम जमा नहीं की। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे मैं दूसरा पर्ची इकट्ठा कर लाई तो सीटी स्कैन और खून जांच की। क्या हुआ, हो गया था बच्चे को? बस बुखार था, दवाई खिलाने के बाद उसको ना से दिख रहा है, ना पैर से चला जा रहा है और ना पेशाब उतर रहा है। बच्चे को कब दवा खिलाई, कब से दिखाई? रात को खिलाई थी, दिन में से दिखाई नहीं दे रहा है और ये सब हो गया। क्या उम्र है बच्चे की? 6 साल। बच्चे के यहाँ रोशनी चली गई, क्या मामला? हाँ, अभी जैसे पता चला है कोई 6 साल का बच्चा जो है इलाज के लिए आया था उस, और एक शिकायत मिली थी कि दवा देने के बाद से उसकी रोशनी कम हो गई है। तो फिर पेडियाट्रिशियन डॉक्टर अनुराग सिंह थे, उन्होंने आंख के डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है और आंख के डॉक्टर ने उसके पर्दे की जांच की है। पर्दे की जांच करने पर पता चला है कि उसके आंख के पर्दे में खराबी आ गई, तो उन्होंने BHU IMS में रिफर किया है। सर, परिजनों का ये कहना है, परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की दवाई से ही मेरे बच्चे की आंख, खार की दवा खाने के बाद इसे ऐसी हालत हुई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली ऐसा होता है कि मस्तिष्क ज्वर में जो है, जिस बच्चे को मस्तिष्क ज्वर कई दिनों से है तो उसकी रोशनी जा सकती है। तो मेरी मुझे यही संभावना लग रही कि हो सकता है कि मस्तिष्क ज्वर का रोगी रहा। सर, क्या पहली बार में उसको चेकअप करने के लिए, जांच करने के लिए नहीं बोला गया क्या डॉक्टर? नहीं, डॉक्टर जब आया है तो जांच करने के लिए लिखा है, जांच में नॉर्मल दिखाई दिया है, सीटी स्कैन भी हुआ उसका जो है, और जो है बुखार के लिए जो जांच जरूरी है बच्चों के लिए वो किया गया है। क्या इंसेफ्लाइटिस का इलाज अगर हुआ होता तो क्या उसकी आंख की रोशनी बच जाती? नहीं नहीं, इंसेफ्लाइटिस में होता है, उसका इलाज चलता है बाद में जो है। जैसे मान लीजिए 6-7 दिन का मस्तिष्क ज्वर हो तो उसमें धीरे धीरे रोशनी चली जाती है, पेशेंट को पता नहीं चलता है। बाद में जब एकदम नहीं दिखता है तब घर वाले समझ पाते हैं कि इसको नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता है कि उसको मस्तिष्क ज्वर था पहले से? रहा होगा, बुखार में कुछ भी हो सकता है, रोगी तो कम शिकायत कर ही रहा है कि जो है बुखार था। दोबारा वापस आने की संभावना बनी रहती है कि नहीं? उसका इलाज यदि उचित इलाज चलेगा तो रोशनी आ जाएगी, यदि इलाज सही नहीं चला तो अंधा भी हो सकता है। इस तरह का कोई इलाज की व्यवस्था नहीं कि बनारस उसको रेफर किया जा रहा है? नहीं, हायर सेंटर में भेजा गया है कि अच्छे इलाज के लिए। मस्तिष्क ज्वर के लिए तो जो इलाज जो करते हैं वो करेंगे ही, लेकिन आँख के लिए हम लोग भी रिफर करते हैं जो है।